हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिंद्रा फाइनेंस ने अपने शेयर होल्डर के लिए जो डिविडेंड रिकमेंड किया है उसके अमाउंट और रिकॉर्ड डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए 80 पैसा पर रिकॉर्डिंग शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है। कंपनी के शेयर का प्राइस है 160 के अराउंड। तो कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पर अराउंड 0.5% का डिविडेंड रिकमेंड किया है और जो डिविडेंड इनके शेयर होल्डर को तभी मिलेगा यदि आने वाली AGM में जो डिक्लेयर किया गया। और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने बताई है 19 जुलाई 2021। तो यदि आपके डीमैट अकाउंट में 19 जुलाई को जो है शेयर होगा तभी आपको 80 पैसा डेट इज 0.8 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्स डिविडेंड डेट बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी 18 जुलाई, और 18 को है संडे, 17 को सैटरडे, इन दोनों दिन तो मार्केट बंद रहेगी। तो जो एक्स डिविडेंड डेट बनी वो बनी 16 जुलाई, और डिविडेंड के लिए जो लास्ट बाइंग डेट बनी वो बनी 15 जुलाई। तो यदि आपने जो है शेयर 15 जुलाई या उससे पहले खरीदा तभी जो है 19 जुलाई तक आपके डीमैट अकाउंट में आ पाएगा और तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। और यदि आपने जो है शेयर पहले से ही खरीद रखा है या फिर 15 जुलाई को खरीदा है और आपको डिविडेंड चाहिए तो आपने जो है शेयर एक्स डेट डेट इज 16 जुलाई जो उसके बाद बेचना है 16 जुलाई को बेचोगे तब भी आपको डिविडेंड मिलेगा। और यदि आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हुए तो आपके बैंक अकाउंट में 26 जुलाई के बाद डिविडेंड की अमाउंट आ जाएगी। ओके, थैंक्स।